हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। फ्रेंड्स, लंबे टाइम से जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, 1484 पोस्टों पर आप लोगों ने फॉरम तो अप्लाई कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार की ये वैकेंसी अब जाकर बीजेपी की सरकार में कम्प्लीट होने वाली है, क्योंकि इस वैकेंसी को लंबा टाइम हो चुका है। विधानसभा के चुनाव के बाद में हम लोगों को ऐसा लगा कि अब इसकी प्रोसेस होने वाली है, फिजिकल होने वाले हैं, लेकिन फिर नहीं हो पाए किसी कारणवश, और अब तो आचार संहिता लग रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। वैकेंसी के फॉरम तब से भरे गए थे, उसी टाइम से हम इस वैकेंसी पर नजर बनाए हुए हैं, और आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, हां, फिजिकल डेट जारी हो चुकी है, और 291 पोस्ट जिसका फिजिकल 2021 में हुआ था और 2024 चल रही है। फ्रेंड्स, 3 साल की लंबे टाइम के बाद में आपका एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, वो ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके बीच में आए हैं। फ्रेंड्स, जो भी दोस्त अगर छत्तीसगढ़ का है वो जरूर, और जो वीडियो हमारा देख रहा है वो जरूर एक बार कमेंट में जय जोहर लिखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये काम कीजिए, सभी दोस्त एक बार कमेंट में सभी जय छत्तीसगढ़ और जय जोहर लिखना है। चलो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको डेट बताने से पहले, सबसे पहले हम आपको एक बार प्रोसेस बता देते हैं फिजिकल की, फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, और उसके बाद में हम आपको एडमिट कार्ड और वो डेट जारी हुई है वो डेट हम आपको बता देते हैं। और तैयारी में तो आप लोग सभी लगे हुए हो, क्योंकि मैंने पहले ही भी बता दिया था कि अब आपका फिजिकल होने वाला था, और तैयारी में लग जाओ। अगर तैयारी में नहीं लग रहे हो तो वो जिसकी एग्जाम है वो एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। सीधे चलते हैं, एक बार फिजिकल देखते हैं क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, और शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु एक बार देख लेते हैं। आप सभी को मालूम होगा, लेकिन एक बार मैं आपको और बता देता हूं, 200 मीटर दौड़ होगी एक ही प्रयास में, आपको प्रयास एक ही मिलेगा, समय है 24.50 सेकंड या उससे कम, ये अंक है, अंक आप लोग देख लीजिए। और महिलाओं के लिए भी 28.50 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ करनी होगी, और अगर आप इससे कम करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और उससे ज़्यादा करते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा, यही प्रोसेस इसमें रहने वाली है। 800 मीटर दौड़ एक ही प्रयास में 2 मिनट 10 सेकंड या उससे कम, और 3 मिनट में महिलाओं के लिए। लंबी कूद इसमें होगा 5.50 मीटर या अधिक, और 3 प्रयास आपको मिलेंगे महिलाओं के लिए, 4.25 मीटर लंबी कूद, गोला फेंक भी है इसमें। तो ये आपका फिजिकल में रहने वाला है। अब फिजिकल की हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल आपका कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड जो आपका 1484 पोस्टों पर जो आपकी वैकेंसी थी उसका एडमिट कार्ड की हम बात कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जून में, क्योंकि जून की 4 तारीख को आपका लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही लोकसभा का परिणाम आता है तो आपका इस वैकेंसी के साथ छत्तीसगढ़ की अन्य वैकेंसियों का भी नोटिफिकेशन जून में आने वाला है, वो अलग से हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें शिक्षक भर्ती और आबकारी विभाग की भर्ती, अन्य कई वैकेंसी उसमें शामिल है। लेकिन हम बात करिए अभी फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड का जून में आपका फिजिकल की डेट जारी हो जाएगी, कन्फर्म है, आप तैयारी में लग जाओ। और अब देख लेते हैं 291 पोस्टों पर जो आप लोगों ने फिजिकल दिया था और उसका एग्जाम बाकी था, उसका एग्जाम भी अब जून में करवाया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आचार संहिता के कारण आपकी इस वैकेंसी को रोक दिया गया था, वरना ये वैकेंसी आपकी मार्च या अप्रैल के महीने भी में हो जाती, लेकिन चुनाव होने के कारण इस वैकेंसी पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आ जाता है लोकसभा का, उसके बाद में आपका फिजिकल और एग्जाम करवाई जाएगी। और जो भी दोस्त अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो मैं एक बार नंबर बता देता हूं आप लोगों को, इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर देना, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस ग्रुप में आपको फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। 80 58 85 13 75 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो व्हाट्सएप पर जरूर हमें मैसेज कर देना। तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स।